पहला स्वर जानना चाहे तो वह राम है। इसे भारत की प्रभात की पहली गूंज का नाम राम है, भारत की भोर का पहला स्वर राम है। कोई भारत की प्रभात में पूरी धरती पर कौन नाम गुंजरित हो रहा है अभिवादन के लिए, प्रणाम के लिए, सम्मान के लिए? कौन है भोर में जिसका स्मरण हो रहा है? तो भैया पूरी पूरी धरती पर सर्वेक्षण कराकर देखिए, भारत की प्रभात को समझ कर देखिए, एक नाम निकलेगा। सब आज भी गांव में कह रहे हैं राम राम जी, राम राम जी। पश्चिम के लोग बहुत अच्छे लगे मुझे, वो कहते हैं गुड मॉर्निंग। वो भोर को अच्छा बनाने की बात कह रहे हैं और भारत का कहता है राम 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 जी, राम राम जी। भैया भोर अच्छी तब बनेगी जब राम आपके पास होगा। दूज का चांद निकलता है तो सांझ के समय लोगों के मुंह से राम निकलता है, राम राम जी। दूज की राम राम है, दूज की प्रणाम है। अच्छा, लोग तो गुस्से में भी एक बात कहते हैं भारत में, अब उनसे हमारी राम राम हो गई है, अब राम राम कर ली हमने उनसे, अब तो हमसे अब राम राम कर बैठे उनसे, इसका मतलब बोलचाल बंद हो गई है। अच्छा, बोलचाल शुरू करेंगे तो फिर कहने लगते हैं आजकल उनसे हमें राम राम होने लगी है। अरे कमाल है, अब आपकी राम राम होने लगी उनसे, हमारा तो राम राम करने लगे, हमें राम राम हो गई है उनसे। इसका अर्थ यह है कि राम बोलचाल में है, प्रणाम में, अभिवादन में, व्यवहार में, सामाजिक सरोकार में है। अरे राम की बात करते हुए अर्थी में आपके साथ जाएगा, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। राम तो भैया अर्थी में आपके साथ जाता है, दर्द में आपके साथ रहता है। राम तो गतिमति है, इस देश का पहला स्वर है, क्योंकि वह आदर्श है, वह धर्म है, वह त्याग है, वही शील है, संयम है, सदाचार है, पराक्रम है, पौरुष है, पुरुषार्थ है। राम बड़ी व्यवस्था का नाम है, राम तो मंत्र है, एक व्यवस्था का तंत्र है। राम स्वयं में एक आदर्श है, राम पर तो कुछ ना बोलो, राम बोलो तो एक काव्य है, राम अपने में गीत है, राम अपने में कविता है, राम तो भैया तरने की नौका है। आप राम की बात करते हैं, राम तो ब्रह्म है।